हेलो माय डियर फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग वेलकम टू माय चैनल द वॉन मेर अब्राडर सीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त और ये वीडियो है मलेशिया वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में सॉरी इस वीडियो को आने में थोड़ी देरी हो गई क्योंकि मैं अभी थाईलैंड में था वहाँ पर बहुत सारी वीडियो शूट की आठ नौ घंटे फिल्मिंग किए मैंने वहाँ पर और बहुत सारे ब्लॉग शूट किए आप लोगों के लिए एनी हम बात करेंगे इस वीडियो में मलेशिया वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में जो कि एक जून से शुरू हो चुका है ओके okay, अब इसमें कौन सी कंट्रीज़ हैं दो जो एलिजिबल हैं एक तो है इंडिया और दूसरा है अभी चाइना ऑल right। अब ये वीज़ा ऑन अराइवल आपको कैसे मिल सकता है ठीक है अगर आप मलेशिया में एंटर करते हैं वाया सिंगापुर थाईलैंड इंडोनेशिया ब्रुनई ठीक है वो चार कंट्रीज़ हैं सिंगापुर थाईलैंड इंडोनेशिया बुनई अगर आप इन कंट्रीज से एंटर करते हैं मलेशिया के अंदर तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं दैट डज नॉट मीन कि आपके पास वैलिड वीज़ा है सिंगापुर का थाईलैंड का बुनई का इंडोनेशिया का तो आप सोचें कि आप पहले मलेशिया चले जाएँ तो वीज़ा ऑन अराइवल नहीं लगेगा आपका जो एंट्री जो है पॉइंट वो है बेसिकली या तो सिंगापुर से थाईलैंड से इंडोनेशिया बुनई वाया लैंड सी और एयर ऑलराइट राइट तो आ, आगे आ, जो रूट्स हैं जो एयर रूट्स हैं वो जो एंट्री पॉइंट्स हैं वो कौन से एयरपोर्ट्स हैं सारे प्रोमिनेंट जो कि टूरिस्टी हैं वो एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि कौलालमपुर के एयरपोर्ट दोनों टर्मिनल्स के एल आई ए के एल आई ए टू हो गया जोहर हो गया साबा हो गया सारावाक हो गया केदा हो गया ठीक है स्क्रीन पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये वो लिस्ट है एयरपोर्ट से जहाँ से आपको वीज़ा और अराइवल इशू किया जा सकता है जहाँ लैंड एंट्री पॉइंट्स की हम बात करें वो है टुवास सिंगापुर जो कि सेकेंड लिंक है मलेशिया का सारावाग के अंदर एक लैंड बॉर्डर लगता है और केदार के अंदर एक लैंड बॉर्डर लगता है तो वो भी आप स्क्रीन पर देख लें एक बार और आ, इसकी जो कॉस्ट है वीज़ा और अराइवल की ये है दो सौ अगर आप इसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके देखेंगे ये बनेगा फोर्टी सिक्स डॉलर्स या आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ये बनेगा कुछ छत्तीस सौ रुपये आपका ठीक है तो मतलब ये हुआ कि आप अगर सिंगापुर से थाईलैंड से ट्रैवल करके आ, एंटर करते हैं मलेशिया में किसी भी एंट्री पॉइंट पे या कॉलर नंबर उतरते हैं फॉर डैट मैटर तो वहाँ पे आपको छत्तीस सौ रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी वीज़ा ऑन अराइवल की अब क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए बेसिकली वीज़ा ऑन अराइवल को लगवाने के लिए पहली बात तो कैश अब कैश के बारे में मैं अलग से बात करता हूँ कि किस किस्म के कैश जो है प्रूफ ऑफ फंड्स आप दिखा सकते हैं ओके okay? तो 500 सौ यू डॉलर्स का कैश आपके पास होना जरूरी है अगर आप इसे आई में कन्वर्ट करके देखेंगे अपनी कंट्री में लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके देखेंगे uh, तो ये कुछ बनता है अड़तीस से चालीस हजार के बीच में ओके okay? अब क्या तरीका है किस किस्म के प्रूफ ऑफ फंड्स आप दिखा सकते हैं पहला तो है कैश कैश मतलब करेंसी नोट्स रिंगेट्स के अंदर दिखा दीजिए उनको या यूएस डॉलर ही दिखा दीजिए पांच डॉलर ठीक है ये तरीका है या आपके पास ट्रैवलर्स चेक होता है आपको पता है वो दिखा सकते हैं आप इसके अलावा आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स भी इस केस के अंदर दिखा सकते हैं अब क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स भी इस केस के अंदर आप दिखा सकते हैं ऑल राइट right. इसके अलावा एक और सर्विस होती है ई मनी सर्विस होती है इलेक्ट्रॉनिक मनी जिसे कहा जाता है उसके अंदर क्या होता है बेसिकली बेसिकलीज आर फाइनेंसर्स तो इनको ऑथराइज किया जाता है जो भी जैसे कि नेशनल बैंक्स है वहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में आर है तो ये ऑथराइज हैं थ्रू नेशनल बैंक्स फाइनेंस हैं बेसिकली जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं ऑनलाइन इसकी एक पूरी लिस्ट है जहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक मनी ले सकते हैं और दोज आर रजिस्टर्ड अंडर बैंक निगार ऑफ मलेशिया ऑलराइट तो ये इसका जो लिंक है मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ उसको जरूर आप चेक करें उसके अंदर आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि कौन से वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से आप मनी ले सकते हैं फाइनेंस है बेसिकली ये तो वो भी एज अ प्रूफ ऑफ फंड आप दिखा सकते हैं कहने का मतलब है ये क्योंकि वो बैंक ऑफ निगारा के अंदर रजिस्टर्ड है ऑल राइट right? इसके अलावा आपको कैश के अलावा सिर्फ रिटर्न फ्लाइट फेयस दिखाने होते हैं या ऑनवर्ड जर्नी की टिकट्स दिखानी होती हैं दैट्स ऑल यू नीड आपका पासपोर्ट जो है वो आपको डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा अगर कोई इमिग्रेशन कार्ड है आपका जैसे कि टी एम सिक्स in इन द केस ऑफ फायरन अगर आप आ रहे हैं तो वो आ, जो होता है अगर आपके पास है तो अच्छी बात है और आ, इसके अलावा जो मैं और बात कर सकता हूँ ये कि जो वीज़ा ऑन अरावल है आपका ये वैलिड होता है पंद्रह दिनों के लिए पंद्रह दिनों से ऊपर आपका स्टेक सीड नहीं होना चाहिए मैं आपको बोलूँगा रिकमेंड करूँगा कि आप अपना दिन चौदह दिनों का स्टे रखें मतलब जितने भी दिन आपने स्टे करना है तो पूरे पंद्रह दिन कंज्यूम ना करें चौदह दिन का स्टे रखें अपना उससे ये होता है कि अगर मान लीजिए आपका वीज़ा ऑन अराइवल एक्सपायर होने लगा और पंद्रह दिन आपने पूरे काट लिए और अगर पंद्रह के सोलह दिन हो गए मतलब कि आपका फ़्लाइट का टाइम ड्यूरेशन ऐसा है कि आप अगले दिन जाते हैं और वहाँ कहीं आपके एयरपोर्ट पर वीज़ा एक्सपायर हो जाए तो वो सही नहीं रहेगा तो इसलिए एक दिन कम रखें चौदह दिन का मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ ऑल राइट right. और आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं मलेशिया ने हटा दी हैं क्वारंटीन फ्री ट्रैवल है फुली वैक्सीनेटेड लोग ट्रैवल कर सकते हैं एक मई से ये चीज़ें लागू हो गई थी हमने वीडियोज़ भी बहुत सारी बनाई थी और आ, आ, कोई भी मतलब कि प्री डिपार्चर टेस्ट नहीं है अब इस केस के अंदर कोई भी आपको ऑन अराइवल टेस्ट कोविड 19 का नहीं कराना पड़ता इंक्लूडिंग योर चिल्ड्रन जो कि 17 साल के हैं या 17 साल से नीचे के हैं अब जिन कंट्रीज़ के नाम नहीं है वीज़ा ऑन अराइवल के अंदर अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड चाइना उनको अभी भी ई e वीज़ा की सर्विस लेनी पड़ेगी ई e वीज़ा आप ले सकते हैं या आप स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं इंडिया में स्टिकर वीज़ा की कॉस्ट बनती है फोर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज़ टू फाइव थाउजेंड ओएससी सेंटर है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा देने जा रहा हूँ मैंने पहली बार भी मतलब पहले भी बहुत बार मतलब शेयर की है मैंने चीज़ें पर दोबारा आपके रेफरेंस के लिए लिंक दे रहा हूँ उसमें आप वीजा की कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं प्रूफ ऑफ फंड्स कैसे दिखाने बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस होना चाहिए वो सब उसके अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप उस लिंक को भी जरूर जाकर चेक करें जो कंट्रीज एलिजिबल नहीं हैं अगर आप इंडिया से डायरेक्ट मलेशिया जाना चाहते हैं तो आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा अभी भी और या आपको जो है स्टिकर वीजा अप्लाई करना पड़ेगा लेकिन अगर आप एज एन इंडिया

इंडिगो एयर इंडिया एक्सप्रेस ये फ्लाइट्स हैं जो अभी कौलालमपुर जा रही हैं मलेशिया जा रही हैं ओके गाइस सो दिस वाज अबाउट ऑन अराइवल वीज़ा ऑन अराइवल जो है एक कोई लेंदी प्रोसेस नहीं एक बहुत छोटी सी चीज़ है अपने आप में इसलिए वीडियो की लेंथ भी छोटी है uh, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी इसके अंदर कि कैश काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कितना कैश चाहिए कितना कैसे दिखाएँ प्रूफ ऑफ फ़ंड्स ये चलेगा वो चलेगा तो अब जो है डेबिट uh, और क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्टेबल है पहले काफ़ी लोगों के सवाल आते रहे इस चीज़ के बारे में और आ, मैं स्क्रीन पे आपको एक और जो है आ, स्क्रीन शॉट लेके दिखाने लगा हूँ ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने इशू किया है तो आप इसे कन्फर्म कर सकते हैं हालांकि ये मलेशियन लैंग्वेज में है लेकिन मैंने आपको आ, ये बता दिया है इस वीडियो के अंदर हर चीज़ मैंने कवर कर दिया आपके लिए कुछ सवाल जवाब है फिर भी आपके पास कमेंट सेक्शन आप मुझसे पूछ सकते हैं इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर जरूर ज़रूर सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें इस वीडियो को लाइक करें मिलता हूँ अगली वीडियो में अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ बाय बाय